वेलकम टू अग्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज रफरफ गोट फार्म पर, और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को टॉप क्वालिटी में हैदराबादी गोट्स बतलाने वाला हूँ। इन सब की डिटेल हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत से जकी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जकी भाई, आपका एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है हैदराबाद में? हैदराबाद में फलकनुमा ओल्ड सिटी कहलाता हूँ भाई जी। और ये लैंडमार्क इसका फलकनुमा पीएस या पेंशन ऑफिस कन भी आ जाएंगे तो पिकअप कर लें। ठीक है। आपके पास अभी कितने बकरे और बकरियां या बच्चे हैं सब मिला के? ये 5 बकरियां हैं मोर भाई, एक ब्रीडर है। ठीक है। और अभी सब निकाल दे रहे हैं? हाँ, सब निकाल दे रहा हूँ। और अगर किसी को अगर पट्टी में भी चाहिए तो अगर पूरा हिसाब से अपन दे देंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं सिंगल सिंगल चाहिए तो अलग अलग रेट के हैं। अच्छा, यानी अभी शौक ख़त्म कर दे रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। तो आपके पास अभी ये वाली जो बकरी है भरमार अबलक जी, पंच फेस के अंदर पूरे खुले जड़ से कान और एकदम साफ, अभी लोडेड है या खाली है? लोडेड हो सकती है उमर भाई। 1.5 महीना पहले भराया था मैं, हमारे ही बकरे थे। अच्छा। सुल्तान से भराया था जी, तो वो भी बताएंगे हम। क्या साइज़ है इसके कान का उमर भाई? इसके 18 के करीब है और 7.5 के प्लस है चकलान। 18 इंच लंबान है और चकलान में 7 प्लस है। पंच बिल्कुल साफ है, देखिए इसका मैं क्लोजअप बतला दूँ आप लोगों को, ये देख रहे हैं आप। और कान पूरा जड़ से खुला है, वाइट आइस है। लोडेड हो सकती है 1.5 महीने की, आप मीटिंग कराए हुए हैं लेकिन गारंटी नहीं। नहीं। ठीक है। और क्या है एज इसकी? इसकी जो सर उम्र भाई 6 दान पे। और क्या प्राइस है इसका आस्किंग उमर भाई? अगर सिंगल में लेंगे तो 75,000 की। सिंगल अगर कोई ले रहा है तो 75,000 आस्किंग। काफ़ी बड़े लंगर की, अच्छे फ्रेम की बकरी है। और मोटा और खुला कान है, देखिए जी दो तरफ से भी खुला कान है। मैं आपको बता रहा हूँ, यानी हैदराबादी के अंदर स्पेशली कान की बहुत ज़्यादा मांग होती, कान मोटे भी रहना है खुले भी रहना है। और माशाल्लाह ये दोनों भी चीज़ें हैं इसमें जी, हर चीज़ है इसके अंदर, पंच भी है और कलर भी साफ है, वाइट आइज भी है और लंगर भी बड़ा है बकरी का। ठीक है। क्या प्राइस बोले थे आप इसका? 75,000 नेगोशियबल के साथ। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है। अगर पूरे साथ लेंगे तो भी उसका भी रेट बताएंगे, वो लास्ट में बतला देंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरी लइए। नेक्स्ट में आपके पास है कि भाई ये एक बकरी है और माशाल्लाह ये भी पंच फेस के अंदर और कान इसका भी देखिए पूरा खुला, सल दिख रही लेकिन है नहीं, नहीं खुला नहीं। कान है एकदम। और इसकी बेटी है हमारे पास, इसी की ये पार्ट है और गुलाबी पार्ट माशाल्लाह। कितने महीने की है पार्ट ये उमर भाई? अब करीब 7 महीने की हो गई। 7 महीने की। और कान का साइज? कान का साइज 16.5 प्लस है हमारे पास। इसके 16.5 है। आप मेजर करे हुए हैं? लेकिन कान दोनों के भी यू शेप के हैं, जड़ से पूरे पत्ते की तरह एकदम खुले कान है और क्वालिटी वाली चीज़। बकरी के कान का साइज? बकरी के 18 प्लस है हमारे भाई। 18 इंच प्लस लंबान? हाँ 18 इंच पकड़ के चलिए। अच्छा। और चकलान? चकलान 7 इंच। 7 इंच चकलान जी। काफ़ी खुला कान है देखिए, एकदम साफ, पंच फेस के अंदर है और रिजल्ट देखिए आप गुलाबी में जी। पार्ट की भी मीटिंग हो गई? नहीं नहीं हुई, नहीं हुई अभी, हीट पे आई थी। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि हीट पे आई है जी। और बकरी कितने दान पे अभी है? ये बकरी देखिए उमर भाई 8 पे, 2, 4, 6 पे, 8 अभी शुरू हो रहे हैं। ठीक है। वाइट आइस है, अभी लोडेड है या खाली है? खाली है उमर, ये खाली है। इसको भी भराया था मैं 10 दिन पहले जी, अपने ही बकरे थे तो खाली के हिसाब में थे। अच्छा, यानी 10 दिन के तो खैर कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश लोडेड है लेकिन गारंटी नहीं है। और आप इसका चेहरा देखिए, पंच वगैरह काफ़ी क्वालिटी वाली चीज़ है, बहुत उम्दा। और ये पार्ट है इसकी, पार्ट कितने महीने की है बोले आप? 7 महीने के करीब है। 7 महीने के करीब। पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम खड़ा और खुला कान है देखिए, यू शेप में है। बकरी का क्या प्राइस है? दोनों भी कोई भी लियो 75,000 में। अच्छा, ये दोनों भी ईच वन 75,000? हाँ। पार्ट लियो या फिर बड़ी बकरी? बड़ी बकरी। ओके। अगर सिंगल सिंगल में, अगर लॉट में लेंगे तो फिर अलग रहेगा ऐसा। अच्छा, लॉट तो खैर पूरा पट्टी के हिसाब से कम ही बतलाएंगे आप। चलिए ठीक है। अगर कोई 5 बकरियां एक ब्रीडर एक साथ ले रहे हैं तो कम में मिलेगा, वरना सिंगल सिंगल 75,000 ईच वन है जी, इसमें नेगोशियबल है इंशाल्लाह। ठीक है। इसके बाद और क्या है आपके पास बोले ये? नेक्स्ट में ये एक बकरी है आपके पास, ये भी नासी मुंडा है और ये भी पंच फेस में है और इसके बच्चे गुलाबी थे उमर भाई। अच्छा, इसके बच्चे भी गुलाबी है? हाँ, 2 गुलाबी फीमेल पाटन डाली थी जी, तो अपन जिसके लिए थे बाद में भेज दिए थे। ये बकरी है, मगर 2-3 महीने के करीब करीब गाभन है। 3 महीने के करीब गाभन भी है जो अपने सुल्तान से हो। अच्छा, सुल्तान से दूध फुल था इसको, चुका दिए। कितना दूध आता है इसमें? 1 लीटर आता था। और लंगर वगैरह देखिए आप बकरी का, काफ़ी बड़े फ्रेम में है। कान का साइज़ क्या है इसके उमर भाई? इसके करीब 16-15 पकड़ के चलिए। अच्छा, 15.5 बतला रहे हैं आप जो। और चकलान 6? ठीक है, 6 इंच चकलान। इसका भी खुला कान है देखिए, कोई चुमटी रिंकल नहीं। ये भी नासी मुंडा है। और इसके दांत 8 दांत पे। ठीक है। और 3 महीने कन्फर्म लोडेड है गारंटी के साथ।
क्या रख रहे हैं आप इसका आस्किंग? इसका जो सौ 40,000 रख रहा हूँ। 40,000 आस्किंग, 40,000 नेगोशियबल है इसमें? थोड़ा बहुत। ओके, जो लोग पूछ रहे थे कम प्राइस में अच्छी बकरी हैदराबादी होना है, गुलाबी बच्चे बनाए थे जी, तो ये वाली बकरी ले सकते हैं। और 3 महीने की लोडेड भी है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। देखिए बच्चे आने के बाद, बाकी सेहतमंद बच्चे आना ये अल्लाह ताला की मर्जी की बात है, लेकिन 3 महीने की कन्फर्म लोड है। पिछले बार दो दी थी। ठीक है, उस साइड पलटाइए। कलर पूरा खुला अबलग है, नासी मुंडा है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बड़े फ्रेम के बकरियाँ हैं यहाँ पर, दोनों काना भी खुले जी। हाँ ठीक है, इसके बाद में और अब एक्टिविटी देखिए इसकी बहुत तेज। नेक्स्ट में आपके पास एक और माशाल्लाह काफ़ी शानदार बकरी, क्या है डिटेल जगह भाई इसकी? 19.5 पकड़ के 19 इंच लंबान, 7.5 से 7.5 इंच चकलान, भरमार अबलग है। और क्या है एज इसकी? इसकी उम्र भाई 6 दांत आज शुरू हो रहे हैं अभी, और अभी काफ़ी अच्छा दूध दिख रहा है इसमें जी। हो मतलब 5 महीने के करीब गाभिन है। अच्छा, यानी दूध उतर गया और हाँ गड़े भी पूरे आ गए इसके अंदर, यानी कभी भी डिलीवरी हो सकती है? हो सकती। और ये दिलपसंद के बेटे दिलशान से गाब होके आई थी। किससे? दिलपसंद का बेटा। दिलपसंद के बेटा दिलशान से। अच्छा, कहाँ पर है बकरा अभी? ये गुजरात में। गुजरात में, तो उससे मीटिंग कराए हुए आप? कराए। पहले बकरा यहीं था या बकरी भिजा के कराए? बकरी वहाँ से चाहिए। अच्छा, वहीं से आई हुई है। बहुत खूब, पैटर्न भी अच्छा उतरा हुआ है देखिए इसके ऊपर। कान का साइज क्या बोले आप? 19 इंच लंबान, 7+ चकलान। 7+ चकलान और पूरा खुला कान, कोई चुमटी रिंकल नहीं। लंगर भी अच्छा है, वाइट आइस में है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है, फुल लोडेड है। फुली लोडेड। क्या रख रहे हैं आप इसका आस्किंग? इसका जो सौ 1,25,000 रुपये उम्र भाई। 1,25,000, 1,25,000 आस्किंग। नेगोशियबल है इसमें? हाँ। उस साइड पलटाइए आप बकरी। दोनों थन बराबर है देखिए इसके, और रनिंग थन है, यानी थन रुका हुआ नहीं है। स्वेलिंग वगैरह भी आ गई डिलीवरी की, जो सिम्टम्स होते वो वाले। हाँ, फ्रेम देखिए बकरी का, मैं फिर से एक बार क्लोजअप बतलाऊंगा आप लोगों को। ये कान दोनों भी माशाल्लाह खुले हैं, जड़ से खुले कान और मोटा कान, प्योर क्वालिटी की बकरी। ये भी कोई लाइन वगैरह से है? लाइन का तो नहीं मालूम है भाई, अननोन है। ब्रीडर तो लाइन वाला था। अच्छा, यानी जो भी लाइन की जो मीटिंग हुई अपने को लाइन नहीं मालूम। दिलशान के बेटे से हुई थी? दिलपसंद, दिलपसंद के बेटे से दिलशान से हुई जी। ओके ठीक है, इसके बाद में और आपका ब्रीडर है जी, लाइए। नेक्स्ट आ गया ये ब्रीडर, और ये बकरा तो काफ़ी टाइम से आपके पास है, छोटा बच्चा था, बल्कि दो भाई आए थे आपके पास। दो भाई आए थे, एक सेल हो गया था जी, और इसका पंच अभी काफ़ी अच्छा हो गया माशाल्लाह। पहले नॉर्मल फेस पे दिखता था ये, और सिर्फ पहचानने वाले पहचान सकते थे कि पंच इसको आगे आएंगा, बल्कि मैं खुद बतलाया था उस वीडियो के अंदर। और अभी देखिए अब पंच पूरा ऊपर आ रहा, झालर भी आ गई चेहरे पे, बब भी है। कितने दांत पे है? 2 दांत पे, सिर्फ 2 दांत। दो। और आपको कब से? लगभग 1 साल? 1 साल से। 1 साल से आपके पास, तो अभी 1.5 साल के आसपास होगा? हो गया। बिल्कुल छोटे बच्चे थे ना, 4 महीने के कुछ आए थे आपके पास? 1.5 साल के बराबर हो गया बिल्कुल। और क्या साइज है कान का इसके? 18.7+ है उम्र। 18 इंच लंबान, 7 इंच प्लस चकलान, तिरछी आँख। और हमेशा ही मैं जब बच्चों की वीडियो शूट कराए आँखों के बारे में बतलाया, देखिए आप लोगों को अब आँख की क्वालिटी देखिए इसके। नाम भी सुल्तान रखे हुए, सुल्तान रखे हुए नाम आप, लेकिन पंच बिल्कुल साफ बिना हाथ के भी आप देख रहे हैं। झालर भी अच्छी है, कान 18 इंच लंबा है जी, और चकलान 7+ है। 7+ रुआबदार बच्चा है और डबल बोन का बच्चा है जी। छाता वगैरह भी काफ़ी चौड़ा है इसका, गुलाबी चेहरा, पीछे से भी गुलाबी है। और इसके 2 बकरियाँ इससे गाब है। अच्छा, इसी से? 3 महीने की है जी। आप जो बोले 40,000 रुपये जिसका रेट बताया, हाँ वो भी इसी से गाब है। अच्छा, और जो 5 महीने की है वो तो बाहर से आई हुई? हाँ, बाहर से आई हुई, दिलपसंद से है जी। और जो दिलपसंद के बेटे से, अम्मा बेटी बताया था, वो भी दिलपसंद की लाइन की है। अच्छा, अम्मा बेटी दिलपसंद की लाइन से है, और जो मीटिंग हुई 10 दिन की वो इससे हुई? इससे हुई। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, किसी को अगर नया ब्रीडर लेके रखना है गुलाबी में, काफ़ी लंबे टाइम अगर आपको यूज़ करना है, और ये बच्चा बनने वाला है और भी बहुत खुलेंगे आए, क्योंकि देखिए सिर्फ 2 दांत पे अभी, और आँख कान कलर हर चीज़ की क्वालिटी में टॉप क्वालिटी, चेहरे पे बफ भी है बिल्कुल। क्या रख रहे हैं आप सिंगल में इसका आस्किंग? इसका 65,000 रुपये। 65,000 आस्किंग जी। तो क्वालिटी वाली चीज़ मिल रही सस्ती जी, तो आप लोगों को जल्द से जल्द कॉल करना पड़ेगा। अगर पूरा लॉट कोई ले रहे हैं, 5 फीमेल्स और एक ब्रीडर मेल, अंदर बताते हुए बात कर लेंगे। चलिए बिल्कुल, तो ये आपका ब्रीडर, और ये एक फीमेल बड़ी 5 महीने की, ये वाली 5 महीने की,
और ये वाली एक दस दिन की है, वो 10 दिन की लोडेड है। ये 3 महीने की, ये 3 महीने की लोडेड है। पीछे एक फीमेल है पार्ट के साथ, दिल पसंद की लाइन के है, ये दोनों दिल पसंद की लाइन से। तो क्या प्राइस है पूरे लॉट का? अगर पूरा लॉट ले रहे ना उमर भाई, कुछ भी निगोशिएबल लूंगा, 3,80,000 रुपये दे देना। 3,80,000 फिक्स प्राइस के अंदर पूरे एक साथ लेके चल जाना। अब आप जाके डिवाइड कर लेना है किस हिसाब से आपको सेल कर लेना है या शॉप करना है, ठीक है। लेकिन पूरी क्वालिटी वाला यहाँ पर लॉट मिल रहा है आप लोगों को। हैदराबादियों में बहुत कम ऐसा होता जो टॉप क्वालिटी में एक ही जगह कलेक्शन मिलता। और अपन खासकर चुन के एक एक जगह से ला के जमा, मेरे को आइडिया है उस चीज़ का, आप जमा करके लिए। और अब शौक खत्म ही हो रहा, तो ये जो केजेस बना के रखे हुए आप जो, ये सब भी है वो भी ले रहे हैं तो अलग से बात करके दे देंगे अपन कोई भी आए। अच्छा, तो कितने सेक्शन है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बीच वाला फीडर बना दिया, वरना अगर उसको भी यूज करें तो 7 हो जाएगा। तो नॉर्मल 6 के लिए अलग अलग जगह है, ये भी एक है, इसको भी डोर लगे हुए, टोटल 7 सेक्शन है। 7 सेक्शन और बीच वाला ओपन एक एरिया भी है जो, चौकियां भी है, चौकियां भी अच्छे हैं सभी के लिए, चौकियां भी अलग अलग है और बड़े चौकियां हैं। और तो इसके लिए पर्सनली बात करना, दो जने उठाना पड़ता है वैसी चौकी। अच्छा, मोटे चौकियां हैं, ठीक है। तो सेटअप के लिए आप लोग बात कर लीजिए, वरना बकरियों का प्राइस तो भाई बतला ही रही है। आप लोग आइए, महंगा पड़ जाता, अगर कोई शौक करना चाह रहे अच्छा तो इंशाल्लाह उन लोगों के वास्ते बेनिफिट रहे इंशाल्लाह। चलिए, इस तरह काफ़ी सारे और भी अपडेट्स बताऊंगा मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।